Thank you.
सारे मास ये बहुत ये बप्पीदा की फैमिली की फिल्म है और हम सब लोग बप्पीदा से बहुत जुड़े हुए थे। रेगो जो है बप्पीदा का नाती है, उसने बनाई, उसने गाना गाया है और खूबसूरत पड़ोसन के हम सब लोग हिस्से हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बधाइयाँ बहुत बहुत सबको। और ये लास्ट है यार फिल्म का, लास्ट शूट है और जैसे साहब कह रहे हैं कि इसका टाइटल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी तरह से ये शूट भी हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि ये फिल्म जिस तरह से शूट हुई है उस हिसाब से रिसीव भी की जाएगी और फिल्म अच्छी बनी है, फिल्म अच्छी चलेगी। लोगों को बहुत इंटरेस्ट है इस फिल्म के बारे में। एक तो बप्पी दास के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई है, उनकी फैमिली से जुड़ी हुई है और इसका टाइटल बहुत लोगों को अट्रैक्टिव लगा। टाइटल से ही अनुभव लग रहा है कि वो भी बहुत कॉमेडी। हाँ, कॉमेडी जनर में है, कुछ एक सीरियस बातें भी हैं इसमें। राजपाल जी, आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो सॉन्ग का पहले भी हमने कवर किया था, सॉन्ग काफ़ी अमेजिंग सॉन्ग है, आपका जो ड्रीम सिक्वल है उस पर क्या कह रहे हैं, जो कितना मजा आया आज लास्ट दिन भी है ये सॉन्ग को लेके? ये जिस तरीके से इतना सॉन्ग अच्छा है, वो रेगो ने गाया भी उतना ही अच्छा है और हम सब इसके, क्योंकि हम फिल्म के सब लोग पात्र हैं और इस सॉन्ग का भी हिस्सा होने का मौका मिला तो सब ने खूब इंजॉय किया है। और लाली जी ने जिस तरीके से इसमें, तो इसमें सब लेजेंड हैं, मैं भी इसका हिस्सा हूँ तो बस यही कह सकता हूँ कि सबको खूब पसंद आए। और रेगो का ये पड़ोसन ही नहीं बल्कि खूबसूरत फिल्म भी होगी, क्योंकि आई नो द डायरेक्टर राजन जी और बालकृष्ण जी और गोविंद जी और ये इसके जो डी ओ पी है अनिल डांडा जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, बहुत अच्छी फिल्म बनी। और फिर जहाँ राजपाल हो और हमारे दोस्त ऐसे हो गोविंद जी हो तो फिर फिल्म का क्या कहना है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भी कलाकार अच्छे हैं और आई होप कि गुड अच्छी फिल्म बनेगी और लोग इसको पसंद करेंगे, पब्लिक पसंद करेगी और मीडिया आप हैं, आप इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ही फिल्म के लिए फायदा है। अभी आप लोगों ने गाना देखा है तो इस गाने के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, आपके थ्रू इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाएगा तो ये हमारी फिल्म के लिए भी अच्छा होगा, बच्चे के लिए भी अच्छा होगा जो जिसने कमाल का गाया, कमाल का गाया, उस लेवल का गाया जिस लेवल पर बप्पी दा गाते रहे हैं जिनको हम सुनते हैं। गाने की शूट के दौरान आप तीनों से सवाल रहेगा मेरा, ये बप्पी दा को कितनी बार आपने याद किया? जब मैं बैठा था ये गाने देख रहा था, बप्पी दा की जो पुरानी धुन की और पुराने यादें काफ़ी ताज़ा हो गई मेरे मन में, तो काफ़ी ताज़ा। मैं तो कह रहा हूँ जब जब रिहर्सल हो रहा है पहली लाइन बजती तो बप्पी दा की याद आती है। नहीं, लुक भी मिल रही है और वो नक्शे कदम पे और वो 2023 का अब जो है उसका ये कह सकते हैं कि वो उसका फ्यूचर, वो रॉक स्टार है और वो
अंग्रेजी हिंदी हर तरीके के गाने में, हर तरीके के रॉक में वो रॉक है। अभी इस बारे में बात करना जल्दबाजी है, अभी अनाउंसमेंट है, बाकी चीज़ें बाद में सब करेंगे इसको लेके। और आप खुश हुए इस चीज़? मैं तो बहुत खुश हुआ और बहुत नहीं और एंटरटेनिंग फिल्में रही हेरा फेरी और हेरा फेरी टू, तो 100% फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि खूब जनता जनार्दन का खूब इंजॉय हो और जिस तरीके की एंटरटेनिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सब उस खूब और अच्छे प्रोग्रेसिव वे में देखने को मिले, बस यही चीज़। और ये सॉन्ग कहीं ना कहीं एक मैसेज भी दे रहा है जो करप्ट रहते हैं नेता नगरी, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट निकल गया पहले तो। बेसिकली जो ये सॉन्ग है ना, इसका धुन दादा ने बनाया था, दादा रिकॉर्ड किए थे पहले, तो धुन भी और जो इसका जो विचार आया जो दादा ने बैठ के निकाला था, उन्हीं को अपन ने पूरा कर रहे हैं जी। एंड बप्पी दादा की आवाज पे गाना है, रेगो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। नहीं दे रेगो आवाज धुन दादा का है, दादा का है और रेगो ने उसको गाया है, गाया भी है। कितना गर्व की बात हो जाती है। अच्छा, बहुत अच्छा फील होता है वो गाना भी, जो जिन जिन लोगों ने इसमें साथ हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है गाना एक हिस्ट्री बनाएगा। कहीं ना कहीं रेगो भी अपने दादाजी जैसे दादाजी का स्टाइल था वो अंदाज में दिख रहे हैं। हाँ, वो स्टाइल तो क्योंकि रेगो दादा बचपन से उसको जहाँ भी सो रहता था, जहाँ पे भी रहते दादा उसको साथ में रखते थे, तो पूरा उसने ग्रेस्प किया हुआ है वो चीज़। और इसके अलावा पूरा परिवार आया है, मैं देख रहा हूँ शूट काफ़ी, आई गेस दूसरी बार मीडिया इंटरेक्शन हो रहा है इस शूट को लेके, किस तरह से ये गाना कब आउट होगा, लोगों की तरफ कब पहुँचेगा? बेसिकली आज ये फिल्म का लास्ट है, मतलब प्रोडक्ट इसका जो शूटिंग है कम्प्लीट है आज, तो गाना का एज ए प्रमोशन सॉन्ग है ये, तो अभी महीने भर के अंदर गाना मार्केट में आएगा, मोस्टली मार्च एंड तक। क्या लग रहा है लोगों की तरफ से रिस्पांस कैसा? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, जो भी सुनता है, बड़ा कैची गाना है, आज के युग का गाना है, वैसा कोई गलत नहीं है, पर एकदम मस्ती मौज मस्ती वाला गाना। रेगो की मैं बात करूँ, काफ़ी अच्छा करियर की शुरुआत उनकी हुई है, यूट्यूब पे भी जितने भी गाने आ रहे हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, वो गाने काफ़ी कैची है। क्या लगता है रेगो को, आप किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हो गाने? रेगो को हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते हैं, वो क्या उसमें खुद अंदर से एक करने की एक आग है उसके अंदर,
दादा भी कुछ चाहते थे उससे कि रेगो में बहुत कुछ देखा होगा, उन्होंने बोला एक बार कि भाई गोविंद इनको थोड़ा इसके पीछे कुछ खर्च करना है, इसको मार्केट में लॉन्च करना है, तो वही दादा का भी सपना है, तो हम लोग वही पूरा करने में लगे हुए हैं। और रेगो का बहुत इंटरेस्ट बहुत रहता है, जितना पढ़ाई में उससे ज़्यादा इस लाइन में रहता है उसका गाने में, तो हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। कल इससे पहले भी रेगो का बहुत से सॉन्ग आ चुके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी रेगो का सॉन्ग भी गया है। यस यस, उसके बारे में क्या कहना है? वो बेसिकली दादा का एक आइडिया था कि एक जो इंटरनेशनल सुपरहिट सॉन्ग्स हैं उन पे एक स्वास्तिक के गले से गवाना है, तो वही हमने कहा बहुत हिट हो रहे हैं, लोग बहुत लाइक कर रहे हैं उनको, एक एक दो दो तीन दिन में तीन तीन चार छः मिलियन उसके सॉन्ग्स रहते हैं, मतलब व्यूज़ रहते हैं। पहले भी एक सारे गा मैंने उसके एक बच्चा पार्टी, वही बहुत सुपर डबर हिट हुआ, तो हमने सोचा कि उसको लोगों को लाइक भी करते तो उसका सपोर्ट करते हैं, हर एक को सपोर्ट करते हैं। रेगो का पर्सनल सपना क्या है, किस तरह से वो फोकस क्या है रेगो का? रेगो फोकस इसी लाइन में ज़्यादा जाने का है उसका, म्यूजिक इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री या हॉलीवुड इंडस्ट्री, हम लोग उसका सपोर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।